स्वागत करें प्रत्यक्ष गर्भगृह में, आप सभी प्रवेश करें और आग्रह करेंगे आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर और महाआरती के सामने जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया राममय हो गई है। 200 करोड़ से अधिक सनातनियों के लिए ये पूरे गौरव का क्षण है, हम सब के आत्मिक संतुष्टि का क्षण है। हमारी संस्कृति और राम जी का जो संदेश है वो ऐसी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति में इतनी ताकत है कि पूरे धरती को और पूरी दुनिया को एक सच्चा और अच्छा रास्ता दिखा सकती है। पूरी दुनिया जब इस संस्कृति का अनुसरण करने लगेगी तो न ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, न विश्व युद्ध होगा, न ओजोन परत डिके होगा, और धरती के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो आज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत की जाती है वो हमारे संस्कृति के मूल जड़ों में है। इसीलिए हम पर्वत पूजन, वृक्ष पूजन, इन सारी चीज़ों के लिए करते हैं। सभी समाज को सामंजस्य के साथ लेकर के चलने का संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन देता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जीवन से हमको सीख मिलती है जिससे पूरे समाज में एक सामंजस्य के साथ हम पूरे दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्म स्थान अयोध्या में हुई है, हम सबके लिए गौरव का क्षण। ये तो दिवाली तो वो वनवास से वापस आए थे उसका एक त्यौहार था, निश्चित रूप से ये उससे भी बड़ा एक त्यौहार है। 550 सालों से भगवान श्री राम तंबू में कभी किस में कभी किस रूप में रहने को मजबूर थे। आज हम सब के लिए सुखद क्षण है कि हमारे संस्कृति के पुरोधा, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनका स्थान आए हैं जी। कैसा है पूरे प्रदेश में माहौल? मैं रायपुर के भी कई कार्यक्रमों में सुबह अटेंड किया और कल भी हम लोगों ने कई जगह रात में घूमे थे। मतलब अद्भुत अद्भुत वातावरण है और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति लोगों की जो आस्था है उसे वर्षों नहीं सदियों तक कहीं ना कहीं कुचला गया और आज जो प्रकट होकर के सामने आ रहा है तो एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का हमारा छत्तीसगढ़ ननिहाल है, माँ कौशल्या की भूमि है, अब हमारे लिए गर्व का विषय है। भगवान श्री राम हमारे लिए भांचा है। आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो भांचा को पाँव नहीं छुआ जाता, हमारे राज्य में छुआ जाता है क्योंकि भगवान श्री राम का ननिहाल है और हमारे भांचा है। तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी और भगवान श्री रामचंद्र जी के अन्य पक्षों को उजागर करते हुए पर्यटन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ाएंगे और सांस्कृतिक का आध्यात्मिक रूप से भी विकास करेंगे। दुखद है, मैं कोई पॉलिटिकल मंच की तरह तो नहीं बोलना चाहता बट फिर भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पे कई तरह के, रामगमन पथ पे भी कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। इस भ्रष्टाचार से मुक्त करते हुए हम लोग एक अच्छे गवर्नेंस के साथ सभी लोग मिल करके छत्तीसगढ़ में पर्यटन और अन्य विकास कार्यों को आगे। आलोचकों को क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार का राममय हो गया पूरा हिंदुस्तान?
कभी शपथ पत्र दिया करते थे भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए, आज राम अयोध्या जाने से मना करते हैं, और फिर कभी अचानक मंदिर में पहुंच जाएंगे, अचानक जनेऊ दिखाने लगते हैं। तो इस तरह के ढोंग के राजनीति का अब भारत की राजनीति में, भारत के जनमानस में, भारत के समाज में कोई स्थान नहीं है, और इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए। भारत के सनातन संस्कृति के खिलाफ जो बात करेगा उसे जनता रिजेक्ट करेगी।